उसे इस कमरे में सर्वाइव करने के लिए रोज के $10,000 दूंगा। हमारे पास यहाँ लाखों डॉलर्स हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ। देखो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है मिस्टर बीस्ट के चैनल पे होने वाला है। तो दोस्तों देखो आज जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको एक ही चैनल का बताऊंगा, आप मिस्टर बीस्ट के कोई दूसरे चैनल पे नहीं जाना। जिस चैनल का मैं आपको बताऊंगा आपको वहां से ही कॉन्टेंट लेना है और आपको अपने चैनल की कैटेगरी क्या रखनी है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके मन में डाउट रहेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक हो वो भी आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और सारा कुछ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर समझाऊंगा। सो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे YouTube को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ सर्च बॉक्स में मैं सर्च करता हूँ मिस्टर बीस्ट हिंदी। तो यहाँ पे ये चैनल ओपन हो चुका है। तो मिस्टर बीस्ट के आपको इसी चैनल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे देखिए आप 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट की आपको लॉन्ग वीडियोस मिल जाएंगी, यानी कि एक वीडियो से आपके 4 से 5 शॉट आसानी से बन जाएंगे। और बहुत सारे क्रिएटर्स को ये पता होगा कि ये चैलेंजिंग वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और जो भी विन होता है उसको वो चीज दे देते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एक घर की वीडियो डाली थी कि मैंने अपने घर $1 में बेच दिया। तो इस वीडियो को भी मैंने देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे देखनी है उनमें से आपको पार्ट निकालने हैं अपने शॉर्ट्स के लिए। इस चैनल का मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये पूरा टोटल कॉन्टेंट हिंदी में है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा चैनल बनाने की सोच रहे हो तो आपको अपने चैनल की कैटेगरी एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने जितना आपको यहाँ पे समझाया उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको कंटेंट किस तरीके का लेना है, किस चैनल से लेना है, कैटेगरी क्या रखना है, ये सब आप समझ गए होंगे। तो अगर आपके मन में कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर डाउट है तो आप एक खुद एक बात सोचिए कि आज तक मिस्टर बीस्ट ने किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है तो आप मुझे बताना। पहली बात तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते, इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट होगा कॉपीराइट स्ट्राइक को तो आपको ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मिल रहा है, इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।